दोस्तों, आपने बॉलीवुड के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम तो देखी ही होगी। तो आपको इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के डबल रोल के साथ उनका प्यारा सा पोता भी जरूर याद होगा, जिसने अनजाने में अपने दादा को जहरीली खीर खिला दी थी। इस प्यारे से बच्चे की मासूमियत ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज हुए काफी समय हो चुका है, पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के पोते का किरदार निभाने वाले ये छोटे से बाल कलाकार आज कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इन सभी बातों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही इस प्यारे से बच्चे के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिल्म सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन के पोते का बाल किरदार निभाने वाले अभिनेता का असली नाम आनंद वर्धन है, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1993 में मुंबई में हुआ था, इसलिए इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई मुंबई के स्कूल कॉलेजों से की। अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में तो आनंद वर्धन ने अपने करियर की शुरुआत साल 1997 में आई तेलुगु फिल्म प्रियलगु से की थी, जिसमें लीड रोल में अभिनेता जगपति बाबू नजर आए थे। इस फिल्म में इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में कदम रखा था। इस फिल्म के बाद इन्होंने तेलुगु की फिल्म सूर्यवंशम में भी काम किया था और दर्शकों से खूब तारीफें हासिल की थी। इन दोनों फिल्मों में इनकी ब्रिलियंट एक्टिंग को देखते हुए निर्देशक ईवीवी सत्यनारायण इनसे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने इन्हें अपने फिल्म सूर्यवंशम में बतौर चाइल्ड एक्टर कास्ट किया, जिसमें इन्होंने हीरा के छोटे बेटे और भानु प्रताप के पोते का किरदार निभाया और अपनी मासूमियत से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म के बाद इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत से फिल्मों में काम किया, जिनमें मंजुनाथ, प्रेमी चुकुंदमरा और माना संथानुवु जैसी कई तेलुगु फिल्मों में काम किया और 13 साल की उम्र में इंडस्ट्री से दूरी बना ली, क्योंकि फिल्मों में काम करने के दौरान ये अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बनाकर पढ़ाई पर ध्यान देना सही समझा। वर्तमान में इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए काफी समय हो चुका है और इन बीते समय में ये बाल कलाकार आज काफी बदल गए हैं और बड़े भी हो गए हैं। आज इनकी उम्र 27 साल की हो गई है और जैसे ये बचपन में क्यूट और मासूम नजर आते थे, वही बड़े होकर आज ये काफी चार्मिंग और स्टाइलिश नजर आते हैं, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि अपने करियर की दोबारा से शुरुआत करने जा रहे हैं और बतौर व्यस्त के तौर पर ये श्रुति हासन के साथ किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं, पर अभी इस फिल्म का नाम कंफर्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको आनंद वर्धन का बदला हुआ स्वरूप कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि व्यस्त के तौर पर ये इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर पाएंगे जितना इन्होंने चाइल्ड कैरेक्टर के तौर पर हासिल की थी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।